दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हुए कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन अब आने वाली है विधानसभा चुनाव झारखंड में। जी हाँ दोस्तों, इसका लगभग में एक डेट आ चुकी है। स्क्रीन पर एक पेपर कटिंग आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कब तक झारखंड में विधानसभा चुनाव हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कब विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो सकती है। एंड साथ ही हम लोग जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव का घोषणा के बाद सरकारी योजना में क्या प्रभाव पड़ने वाली है, क्या योजनाएं मिलना बंद हो जाएंगे या फिर कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएंगे, विधानसभा चुनाव से योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अबुआ आवास योजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाली है, इस टॉपिक पे भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर, वेलकम टू किशोर डिटेल। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड लगातार सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर इस पेपर कटिंग में देख पा रहे होंगे, 10 सितंबर के बाद चुनाव आयोग कभी भी कर सकते हैं चुनाव की घोषणा। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होगा झारखंड विधानसभा चुनाव, लगभग संभावित डेट आ चुका है। अक्टूबर महीने 2024 में झारखंड का विधानसभा चुनाव होने की संभावित यहां पे डेट आ चुकी है। देख सकते हैं यहां पे झारखंड विधानसभा चुनाव अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होगा। जैसा कि यहां पे कंफर्म डेट ही बताया जा रहा है कि तीसरे हफ्ते में चुनाव अक्टूबर में ही होने वाली है। 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव की तिथि की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय को यह संकेत दे दिया है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव भी कराया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर जबकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रही है। हालांकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है, फिर भी इस बार चुनाव कराने की प्रबल संभावना है। वर्ष 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए थे, मगर झारखंड विधानसभा चुनाव अलग हुआ था। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं मतदान से 45 दिन पहले होती है चुनाव की घोषणा। मतदान से कम 45 दिन पहले चुनाव की घोषणा करने का नियम है, चूंकि हरियाणा में 31 अक्टूबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेना है। ऐसे में 45 दिन का समय देने के लिए 10 सितंबर से 15 सितंबर तक का समय उपयुक्त होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो जनवरी में समाप्त होने वाली है, लेकिन बाकी राज्यों में चुनाव होने वाली है और चुनाव आयोग तो इसी को देखते हुए शायद एक ही साथ में झारखंड का भी चुनाव होने का यहां पे प्रबल संभावना है। तो जैसे चुनाव के लिए घोषणा हो जाती है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद योजनाओं पर यानी कि सरकारी योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो चलिए इस टॉपिक पे अब हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे चुनाव आयोग घोषणा कर देते हैं चुनाव की कंफर्म तिथि का, उसके बाद नया कोई भी सरकारी योजना का शुभारंभ नहीं होगा, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगेंगे। जैसे कि अब वो आवास योजना के अंतर्गत नए आवंटन नहीं आएंगे, यानी कि जैसे पुराने आवंटन अभी फिलहाल यानी 2 लाख का जो पुराने आवंटन है जो पिछले साल आए थे, और झारखंड में अब वो आवास योजना के अंतर्गत इतना स्लो से वर्क हो रहा है कि अभी तक वो 2 लाख व्यक्तियों को पहली किस्त की राशि नहीं मिल सका है, तो उन लोगों को पेमेंट मिल जाएगा। और 4.5 लाख का जो नए आवंटन आने की घोषणा किए थे मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के द्वारा कि जून में ही आ जाएगा, जून तो समाप्त होने वाली है और मुख्यमंत्री जी का ये भी घोषणा लगभग फ्लॉप हुआ। पता नहीं अब कब आएंगे, उम्मीद है जुलाई में आ सकते हैं। तो जुलाई में जैसे ये आवंटन नया आते हैं उसके बाद, और यदि जुलाई में अब वो आवास योजना का दूसरी आवंटन 2024-25 के लिए आ जाते हैं तो बड़ी आसानी से लाभुकों को इस योजना का लाभ मिल जाएंगे। लेकिन यदि इसमें भी देरी होती है और आदर्श आचार संहिता का घोषणा हो जाती है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद अब वो आवास योजना का सेकेंड टारगेट जो आने वाली है, दूसरी आवंटन जो आने वाली है, वो नहीं आ पाएंगे यदि चुनाव से पहले आवंटन नहीं आते हैं तो। तो दोस्तों, इसकी संभावना बहुत ही कम है क्योंकि आचार संहिता लागू होने में अभी बहुत ही ज्यादा वक्त है और पूरा चांस है कि नए आवंटन 2024-25 के लिए जो 4.5 लाख आने वाले हैं वो जुलाई महीने में आ जाएंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी योजना पे केवल इतना ही फर्क पड़ेगा कि कोई भी सरकारी योजना का नया शुभारंभ नहीं होगा। एनजीओ योजना चलती आ रही है, उन सभी योजना पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अब आवास योजना का जो टारगेट आ चुके हैं और आचार संहिता लागू होने से पहले जितने भी आवंटन या टारगेट आ चुके होंगे उन सभी पे कार्य चालू रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल नया आवंटन नहीं आ सकेंगे और नया कार्य का शुभारंभ नहीं हो सकेगा, बस इतना ही इसका प्रभाव पड़ने वाले हैं और इससे ज्यादा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेंगे। जितने भी सरकारी योजना का संचालन पहले से हो रहा है वो लगातार चलते आएंगे, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा लाभुकों को। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, एंड ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।